बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी खैरपुर वाले किचन में पहली खेप निकली थी, खाना बनके और रवाना हुई है। दूसरी खेप लगी थी, देखो इस चूल्हे के ऊपर कि बारिश हो गई है बहुत शदीद किस्म की। सारी लकड़ियाँ साइड पे गई हैं, सारी पकी हुई देखें हटा रहे हैं, लाके यहाँ रख रहे हैं, फिर दोबारा पकेंगे। ये मुश्किलात हैं। और जो बेचारे खुले आसमानों के नीचे पड़े, इनके घर ही बह गए, कुछ है ही नहीं, सोचे इस बारिश में किस तरह बैठे होंगे। कोई दो दिन से भूखा है, कोई तीन दिन से भूखा है। सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रहे हैं कि आटा दाल चावल प्लास्टिक, वो प्लास्टिक यहाँ पर नहीं मिल रही है जो हम अपने जानवरों के लिए लेकर आते हैं, ये टेंट कुछ भी भेज दें भाई, हमें सपोर्ट करें। और मैं जो फलाई इदारे हैं रोडों पर, अल्लाह उनको अजर देगा। नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, तमाम फलाई इदारे निकले, चीजें जमा करें, लोग बहुत मुसीबत में। अगर आप लैया से शुरू करें, आप फाजिलपुर देख लें, राजनपुर देख लें, तौसा शरीफ देख लें, सखर देख लें, लड़काना देख लें, शिकारपुर देख लें, शहदादपुर देख लें, हैदराबाद देख लें, ठट्टा देख लें, तबाही देखें, खाली लाखों घर खत्म हो गए। जो काम कर रहे हैं तो ये कुदरती मुश्किलात फेस करनी पड़ रही है, आप देख लें। सब चूल्हे ठंडे हो गए, इतनी तेज बारिश हुई है।